स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी खानपुर कैंपस में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक इंतहाई अहम ऐजाद, जो इस दौर की 2023 की कही जा रही है, उसके बारे में आपसे डिस्कस करता हूं और आपको कुछ उसके बारे में बताता हूं कि वो किस तरह आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक जिंदगी तब्दील करने वाली इन्वेंशन है। आपने नाम सुना होगा चैट जीपीटी का। ये जो नई इन्वेंशन है, इसके बारे में आपको बताता हूँ ये कैसे किस तरह काम करती है और क्या क्या फीचर है और ये कितनी तेज़ी से आपके सारे काम जो आप कंप्यूटर के ऊपर करते हैं उसमें कितनी आपकी मदद करने वाली है। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑल को क्लिक कर देंगे ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो आप तक पहुँचते रहें और इस तरह की मज़ीद वीडियो आपके पास पहुंचती रहें। तो अब आ जाए ज़रा आज की टॉपिक की तरफ, चैट जीपीटी। ये एक नई इन्वेंशन है। अब अगर आप इसको गूगल के ऊपर सर्च करें तो ये आपको बहुत सारा डाटा इसके हवाले से मिल जाता है। ये देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें, अगर आप इवन यहाँ पे मैंने इमेज सर्च किए थे तो ये एक पहले अगर आप चैट जीपीटी सर्च करें तो यहाँ पे ये एक वेबसाइट इसकी ओपन होती है और ये उसके बारे में लिखा गया है कि चैट जीपीटी इज़ अ चैट बोट लॉन्च्ड बाय ओपन एआई इन नवंबर 2022। इट इज़ बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ओपन आई जीपीटी 3 फैमिली ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एंड इज़ फाइन ट्यून्ड विद बोथ सुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग टेक्निक्स। सर ये तो है, अब सिर्फ इतना काफ़ी नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा मज़ीद नीचे आए तो यहाँ पे देखें कि कितना इसके बारे में लिखा गया है, एवरी थिंग यू नीड टू नो अबाउट चैट जीपीटी। ठीक है, ये एक चीज़ है। उसके बाद आज़ाद चाय वाला है, उन्होंने एक वीडियो बनाई है इसके ऊपर कि ये कैसे काम कर रही है, कैसे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन असल में चीज़ ये होती है कि आपको उन चीज़ों का इस्तेमाल आना चाहिए जो भी टेक्निक्स आ रही हैं। और यहाँ देखें एक और न्यूज़ है इसके ऊपर, कोई टीवी चैनल है न्यूज़ 19, उसके ऊपर बातचीत चल रही है उसके बारे में। फिर एक और वीडियो है किसी ने बनाई हुई है। अब उसने तो यहाँ तक कह दिया है कि जी $4800 डेली कमा सकते हैं। बहरहाल कुछ बातें बड़ी भी होती हैं और ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, लेकिन मैंने जो इसको यूज़ किया है अभी तो ये बहुत सारी काम की चीज़ें आपके साथ कर सकती है। अब फाइबर के ऊपर है। अब जो इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये चीज़ है कि चैट जीपीटी क्या काम करती है और गूगल क्या काम करता है। गूगल जो है ना, वो क्या काम करता है कि जब आप कोई सर्च करते हैं ना, जैसे मैं आपको कहता हूँ, मैं आपके साथ अब एक ना तजर्बा करता हूँ आपके सामने। हम गूगल के ऊपर एप्लीकेशन सर्च करते हैं, जैसे कि राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर। ठीक है जी, ये एप्लीकेशन के स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं, TIUN। ठीक है जी, ये स्पेलिंग ठीक हो गए। अब अगर हम इतनी सी लाइन को मैं कॉपी भी कर लेता हूँ आपके सामने, मैं बताता हूँ कि चैट जीपीटी क्या है। अब इसको हम सर्च कर लेते हैं तो गूगल क्या करता है कि ये उसने कुछ मुझे सर्च कर दिया है और बहुत सारी वेबसाइट हमारे सामने, ये इमेज आपके सामने ले आता है जो किसी ना किसी वेबसाइट के ऊपर पड़े होते हैं। मतलब गूगल क्या है कि बहुत सारी वेबसाइट का एक बहुत बड़ा जो बैंक है, यूँ समझ लें कि उसमें वहाँ पे करोड़ों के हिसाब से वेब पेजेस पड़े हुए हैं, तो जहाँ पे कुछ मैच करता है ये वर्डिंग, तो वहाँ से वो सारी की सारी वेबसाइट आपके सामने शो कर देता है। फिर आपको उसमें से देखना होता है क्या ठीक है और क्या नहीं। अब आ जाएं चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि इसको ना आपने ओपन करेंगे यहाँ पे गूगल में जाके चैट जीपीटी। ठीक है जी, इस तरह करेंगे ना तो ये जो पहली पहली वेबसाइट है
आप इसको ओपन करने के बाद आप इसके अंदर एक लॉगिन करते हैं और अपना अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपने ट्राई करना है और उसके बाद अपने अकाउंट बना लेना इस तरह। ये अकाउंट मैं अब आपको यहाँ पे नहीं सिखा रहा, तो आपने अकाउंट बना के उसको चेक कर लेना है, ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद आप किस तरह के पेज के ऊपर आ जाएंगे, वो आप आ जाएंगे यहाँ पे, मैंने जो अपना अकाउंट बनाया है उसके ऊपर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। मैं पुरानी चैट डिलीट कर देता हूँ और न्यू चार्ट मैं बताता हूँ आपको, ठीक है जी। न्यू चैट, और यहाँ पर जो सर्च बॉक्स है, मैंने यहाँ पे ना इसको वेबसाइट अपने ईमेल के साथ लॉगिन करके इसको वेरीफाई करके इसके अंदर आप अकाउंट बना लिया। ये यहाँ पे देखें आप, चैट डॉट ओपन आई आई डॉट कॉम और चैट। अब मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया था कि ये जो मैंने एप्लीकेशन इतना सा लिख के सर्च किया था गूगल के ऊपर, तो कुछ इस तरह की मिक्स चीज़ें आ गई हैं। अब यहाँ पे देखें, ये पूरी नहीं है, ये जो जो लाइन लिखी गई है ना यहाँ पे टॉप पे आ रही है, ये भी किसी ना किसी वेबसाइट के अंदर से जो पेज पड़ा है उसके अंदर से उसने यहाँ पे उठा के दे दी है। अब आ जाएं यहाँ पे, चैट जीपीटी क्या करती है, ऐसी ऐसी चीज़ें करती हैं कि आप हैरान परेशान रह जाएंगे। अब मैंने वहाँ से जो कॉपी किया था आपके सामने, ये गूगल से गूगल में सर्च किया, अब यहाँ पे आप देखें ये क्या करता है। तो अब इसको हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं, अभी देखिएगा आपके सामने, अब देखते जाएं कि ये कर क्या रहा है। ये आपको पूरी की पूरी एप्लीकेशन लिख के देने वाला है। अब देखते जाएं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सारी एप्लीकेशन, ठीक है जी। आप देखते रहें कैसे लिखा जा रहा है, कंप्लीट और परफेक्ट किस्म की एप्लीकेशन अभी वो लिख के यहाँ से उसने दे दी है। आप अंदाज़ा लगा लेंगे सेकंड कितने लगे हैं, ठीक है। अगर यही सब आपको खुद टाइप करना पड़े, लिखना पड़े, तो कितना टाइम लगेगा, और फिर उसकी जो लैंग्वेज है बेहतरीन है। अब आ जाएं एक और एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। अब आप, मैं कहता हूँ कि मुझे ना स्टोरी लिख दें। स्टोरी जो है ना हम लिखते हैं थ्रस्टी क्रो, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने इंटर किया, लिख दिया, और यहाँ पे जाते हैं चैट में, अब देखते हैं ये क्या करता है, देखते जाइएगा। अब ये आप मुख्तलिफ इसको आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपके सामने चीज़ समझ आएगी आपको, ये कर क्या रहा है और ये कैसे कैसे काम कर रहा है। अब ये जो एप्लीकेशन मैंने लिखी है, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है जी, यहाँ से उठाया, इसको कॉपी किया, यहाँ पे आप आ जाएं वर्ड में, ठीक है, और वर्ड में आप इसको करें पेस्ट, ठीक है जी। यहाँ पे अपना नाम डालें और ये जो आपकी एप्लीकेशन रेडी हो गई है, ठीक है। कितना टाइम लगा, कोई टाइम नहीं लगा, ये काम है जी चैट जीपीटी की। अब ये थोड़ा सर्च कर रहा है उसको, ठीक है, बाजू का दिया। अभी जैसे ये लॉन्च हुआ तो इतना ज़्यादा इसके ऊपर बर्डन आ गया ना, तो बाजू का तो ये सर्वर फ्री नहीं मिलता, लेकिन बहरहाल एक बड़ी बड़े अदारे का यह सिस्टम है सारा, तो वो इन्होंने सारा ठीक कर लेना है, ठीक है जी। ये लिखना शुरू कर दिया उन्होंने स्टोरी। अब उसके बारे में ये कह रहा है कि ये चीज़ें फलां फलां हैं, वो सारी की सारी आपको बताते जा रहा है। चलें जी यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं, एक और तजर्बा करते हैं, न्यू चैट में चलते हैं, और हम एक क्या करते हैं, राइट ए लेटर टू फादर फॉर सम चलो जी यहाँ पे जो भी लिख लीजिएगा, मैं अभी मेरे जहन में कुछ आया नहीं है। अच्छा जी, लेटर को मैंने डिलीट कर दिया, वो मुझे पूरी स्टेटमेंट नहीं समझ आ रही थी, तो मैं लिखता हूँ कि राइट ए लीव एप्लीकेशन और
यहाँ पे इसको एंटर कर देते हैं, देखते हैं जी इसका नतीजा क्या निकलता है। आपने जस्ट एक लाइन लिखनी है, उसके ऊपर वो पूरे का पूरा लाइन अगर प्रॉपरली आप सही से लिख लेंगे तो ये जो चैट जीपीटी है ये आपको पूरे का पूरा लिख के बता देगी। थोड़ा सा टाइम ले लेता है बाज़ूकार, वो यही वजह होती है कि उसके ऊपर सर्वर की वजह से बहुत सारा पता नहीं कितने लोग, अब मिलियंस के हिसाब से लोगों ने अकाउंट बना लिए हैं जैसे ये लॉन्च हुआ है। ये देखें जी, लिखना उछना शुरू कर दिया है, ये सारी की सारी है वो लिखता जा रहा है। ये तो कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ और चीज़ें हैं, अभी यहाँ पे मैं इसको रोक देता हूँ, ठीक है, और तजर्बा करते हैं कुछ और। चलिए, ये मैंने एक और लिखा है, राइट कोड फॉर HTML वेबसाइट। अब यहाँ पे देखते जाएं कि वो खुद ब खुद कोड भी लिखता जा रहा है, और यहाँ से वो कोड कॉपी भी कर सकते हैं आप। ये देखें, ये जी उसने एक लिख दिया है कोड, और कोड है HTML वेबसाइट का, जो बेसिक एक पेज होगा। देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है, जैसे लिखने दें इसको। ये भी लिख रहा है, बहुत सारा लिखता जा रहा है, खुद ब खुद लिखता जा रहा है। अगर आप खुद को कोड लिखना पड़े इतना सारा तो आप अंदाज़ा कर लें कि कितना आपका टाइम लग सकता है। अब यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी हो गया, ठीक है। कोड को मैंने कॉपी किया था उसके ऊपर नोटपैड के ऊपर, नोटपैड को, ठीक है जी। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो कोड था, यहाँ पे जो कोड लिखा गया था उसको भी मैंने कॉपी किया था। कॉपी करने के बाद मैंने जो पेज बनाया है नोटपैड के अंदर लिख के उसको सेव किया .html एक्सटेंशन से, तो ये पेज बन गया, ठीक है जी। ये एक नई वेबसाइट इस तरह की बन गई, लेकिन आप उसको खुद भी अब मॉडिफाई कर सकते हैं, चीज़ें चेंज कर सकते हैं। मैं तो इसको आपका काम बता रहा हूँ कि आप इसके ऊपर क्या क्या काम कर सकते हैं। चैट जीपीटी को मैंने नया टास्क दिया है, वो है जी राइट कोड फॉर C++ वेबसाइट। देखते हैं कि वो क्या करता है इसका। अच्छा जी, वो कहता है जी कि स्पेसिफिक लैंग्वेज का नहीं कर सकता, लेकिन हम उसको ये सिर्फ इतना है कि आप इसको अगर चेंज कर लेंगे ना इसकी वर्डिंग तो ये आपको ढूंढ देगा। ये देखें, वो कह रहा है कि जी मैं आपको सारा कोड तो नहीं लिख के दे सकता, लेकिन बेसिक कोड मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ये देखें जी, कुछ ना कुछ उसने यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया है। तो आप छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स हैं जो भी आप करना चाहेंगे वो आप यहाँ से इसको, ये देखें, ये मुख्तलिफ प्रोग्राम लिखता जा रहा है और बहुत सारे आपको कोड वो शो करता जा रहा है। अब ये सारी चीज़ें आप देख लें कि टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, उसने लिख लिया जी हेलो वर्ल्ड, जो बेसिक प्रोग्राम होता है वो लिखने का एक उसने कोड लिख दिया है, रेक्टेंगल का एरिया कोड, एरिया कैलकुलेट करने का उसने यहाँ पे कोड लिख दिया है। प्रोग्राम दैट जनरेट रैंडम नंबर्स, एक ऐसा प्रोग्राम जो रैंडम नंबर जनरेट करेगा वो लिख दिया है, मतलब जो उसको समझ आया उसने लिख दिया है। तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं, और क्या ट्राई करें जी। मैंने ट्राई की है कि राइट यूट्यूब टैग्स फॉर वी लॉगिंग, जो वी लॉगिंग के ऊपर वीडियोस बनाए जाते हैं और यूट्यूब के अंदर उसका टैग लगाए जाते हैं, वो देखते हैं कि वो क्या करता है। लगा दिया हमने सर्च के ऊपर, ये देखें जी उसने टैग भी लिखना शुरू कर दिए हैं, और देखते हैं कि कितने टैग लिखते हैं। और ये टैब अगर आप खुद को लिखने पड़े ना बहुत टाइम लगता है, सोचना पड़ता है। अब ज़रा देखते जाएं होता क्या है। ये देखें, ये वी लॉगिंग के ऊपर टैग्स हैं सारे, जो आप यूट्यूब वीडियोस के अंदर लगा सकते हैं। अच्छा जी, ये मुझे वैसे काम के भी थे, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम इसको किसी भी वर्ड की फाइल के अंदर सेव कर लेते हैं, ठीक है जी। ये कोड लिखे गए, मेरा तो एक बहुत सा मुश्किल काम इसने आसान कर दिया। अब मैं उसे एक और काम देने वाला हूँ आपके सामने, आप भी इसको अकाउंट बनाएं इसका, एनिमेशंस, ठीक है जी। अब मैं ये सर्च करता हूँ इसके ऊपर, ये कैसे कोड लिखता है उसके हवाले से, ये देखें जी।
ये कोड्स हैं एनिमेशन के हवाले से। आप बताएं कि ये कैसी इजाद उसने कर दी है, जिसने भी ये इसको जिसने भी बनाया है। इसको भी कॉपी कर लेते हैं और इसको डाल देते हैं यहाँ पे। ओके, मैं इसलिए कॉपी कर रहा हूँ कि ये मेरे काम के हैं। तो अब आ जाएं एक और चीज़ टैग, इसको चेक कर लेते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं जो आपने मैं वीडियो बना रहा हूँ उस हवाले से भी टैग मुझे चाहिए फॉर मेरी वीडियोस जो है ना वो चल रही हैं एडिटिंग के, वीडियो एडिटिंग। ठीक है, अब मैं वीडियो एडिटिंग के लिहाज से ना कोड इसे कहता हूँ कि टैग्स जो है ना वो मुझे बना दे। वीडियो एडिटिंग, इंटर किया, देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है और वो क्या मुझे YouTube के टैग्स लिख के देता है। वेट कर लें थोड़ा सा। ये देखें जी, मैंने लिखा था राइट YouTube टैग्स फॉर वीडियो एडिटिंग, उसको जो समझ आ रही है वो लिखता जा रहा है लिखता जा रहा है। और ये देखें कि कितने बेहतरीन उसने टैग्स यहाँ पे मुझे 15 के करीब लिख के दे दिए हैं। अच्छा जी, मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इसको मैं सेव कर लेता हूँ जो मेरे बाद में काम आने वाली हैं। अच्छा जी, अब आपकी ये जो चीज़ें हैं ना समझने की वो ये हैं कि मैं वीडियो को जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ। अब आपने इसके ऊपर अकाउंट बनाना है और फिर उसके बाद आपने क्या क्या काम करना है ये आपको ने जो भी आपके जहन में कुछ चीज़ें आती हैं सर्च करने के लिए, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। ये आपको हर सवाल का जवाब लिख के दे देगा। ठीक है, चाहे आपने लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है या कुछ भी लिखना है, कुछ सर्च करना है आपने YouTube के ऊपर, Google के ऊपर, ये आपको टेक्स्ट की शेप में सारी चीज़ें ना देने वाला है। इसकी शेप में जी, टेक्स्ट की शेप में। ट्राई लाजमी करें इसको, देखें ज़रा कैसी कैसी चीज़ें आने वाली हैं आपको इसकी, इसके हवाले से YouTube के ऊपर आप वीडियोस की भरमार होने वाली है, बहुत सारा डाटा आपको मिलने वाला है इसके ऊपर। और बात यही है कि आप इसको ट्राई करें, अपने एजुकेशनल जो क्वेश्चंस हैं उनको सर्च करने की कोशिश करें। एजुकेशन में आपके जो सवाल होते हैं उनके जवाब लिखने के लिए आप देख सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, व्हाट इज लिंग्विस्टिक। अब ज़रा सर्च करके देखते हैं कि ये क्या करता है उसके हवाले से। ये देखें जी, लिंग्विस्टिक द साइंस स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सेंटिक्स। ये देखें जी, उसने जल्दी से आपको ये लिख के दे दिया है। अब आपका काम है कि आपके जो एजुकेशनल सवाल हैं, असाइनमेंट्स हैं, आप उसके जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से टाइप करके इसका आंसर यहाँ से ले सकते हैं और फिर उसको मैच करें अपने जो आपके हैंड आउट्स हैं या जो भी जिस तरह भी आपने उसको वेरीफाई करना है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी सी चेंज हो सकती है। बहरहाल इन्होंने एक बहुत बड़ी वेबसाइट बना दी है, बहुत ज़्यादा डाटा इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और गूगल की निस्बत ये फ़र्क ये है कि गूगल आपको पेजेस सारे ढूंढ के दे देता है और चैट जीपीटी आपको क्या करेगी कि उसका सारे का सारा आंसर रिटर्न शेप में आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ट्राई करें। लिंक जो इसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उसको देख लीजिएगा और इसको इंजॉय कीजिए इस नई चीज़ को, और आने वाले वक्त में देखेंगे कि आप किस तरह है ये चीज़ आपका जो है ना टाइम और दुनिया बदलने वाली है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।